हाँ, तो ये AS1 है। AS1 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, पॉलिसी वर्ड का मतलब ही होता है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स। कोई भी चीज करने का एक रूल होता है, कुछ मेथड होता है। तो अकाउंट्स में भी जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएल और बैलेंस शीट। तो पीएल और बैलेंस शीट को जब हम लोग, पीएल के अंदर ही ट्रेडिंग वर्ड आ जाता है, इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग नहीं बोलता है, सिर्फ पीएल और बैलेंस शीट बोलता है, तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो ट्रेडिंग भी बोल रहा है। पीएल इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट। तो पीएल और बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। अगर हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस देखे, जैसे सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस और कंपनी का बिजनेस, तो जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट और पीएल का बिजनेस में होता है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में होता है, वो कैसा होता है। हम लोग पीएल बनाते हैं, इस तरफ एक्सपेंस लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम लोग इनकम लिखते हैं, और बैलेंस शीट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम लोग एसेट को लिखते हैं। ये प्रेजेंटेशन होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए, जो बेसिकली हम लोग क्लास 11 में सीखते हैं और बीकॉम के एकदम इनिशियल लेवल पे सीखते हैं, सेमेस्टर 1 में। बट बेसिकली जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसका अलग प्रेजेंटेशन होता है। पीएल बनाते हैं, उसका अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो सारे प्रेजेंटेशन का रूल है, ये AS1 से लिया गया है। तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एडॉप्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जब भी हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला बात होता है प्रूडेंस। जब भी हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंट्स में कुछ भी करते हैं, मतलब अकाउंट्स पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग रूल्स, तो अकाउंट्स का रूल क्या है, सबसे पहला रूल है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक गैप का एक प्रिंसिपल है। गैप हम लोग पढ़ते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अंदर टोटल 16 प्रिंसिपल्स है, उसमें से कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म कहता है हमेशा बिजनेस में नेगेटिव सोचो। अगर हम लोगों को फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो, पर अगर फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको अभी से रिकॉर्ड मत करो। इसलिए लिखा है एनी एंटिसिपेटेड लॉस। एंटिसिपेटेड मतलब फोरकास्टेड, सोचा हुआ। एनी एंटिसिपेटेड लॉसेस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बट एंटिसिपेटेड इनकम इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम्पल क्या है इसका, हम लोग जब भी क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक अब वर्ड यूज नहीं करते हैं, अब उसको इन्वेंट्रीज बोला जाता है। तो इन्वेंट्रीज को जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों में जो छोटा होता है, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये सम्स करते वक्त भी हम लोग को याद है कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट प्राइस भी दिया रहता था और मार्केट प्राइस भी दिया रहता था। मार्केट प्राइस और एनआरवी सेम चीज है, तो दोनों में जो छोटा होगा, उसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देते थे। तो ये हम लोग कहाँ से सीखे हैं, गैप से तो सीखे ही है कंजर्वेटिज्म, पर इसको AS1 AS के अंदर डालकर एकदम अकाउंटिंग रूल के अंदर डाल दिया है। फिर होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से AS से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए AS के लिए एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है कि जो चीज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अकाउंट्स में ये गलत नहीं है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अकाउंट्स में जो है वही दिखाओ, जो नहीं है वो प्रेजेंट मत करो। पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि समटाइम्स हो कुछ और रहा है और हम लोग कुछ और दिखाते हैं, ये करेक्ट है, ये राइट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सोचो कि मैं तुम लोगों से लोन लेना चाहती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बुक्स में दिखाई दे कि मैंने लोन लिया है। तो मैं क्या करूंगी, रियल में लोन लेते वक्त क्या होता है, मैं तुम लोगों से लोन लेती हूँ मतलब पैसा लेती हूँ, और अपना कोई सामान मॉर्गेज करती हूँ मतलब गिरवी रखती हूँ। से मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, मतलब मेरा कुछ गोडाउन में कुछ स्टॉक था, से 2 लाख का मेरे पास कुछ गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ था। वो 2 लाख का स्टॉक मैंने तुम लोगों को दिया गिरवी के तौर पे, जिसे मॉर्गेज या सिक्योरिटी कहते हैं, मैंने तुम्हें वो दिया और तुमसे बदले में 2 लाख का लोन ले लिया।
अब ये तो मैंने ले लिया। अब ये एक्चुअली हम लोगों का क्या हुआ था, लोन टेकन किया था मैंने और मैंने बदले में कुछ मॉर्गेज किया था, ये ट्रू पिक्चर है। बट मैंने अकाउंट्स में से कैसे रिकॉर्ड किया कि मैंने तुम्हें गुड्स सेल किया है, मैंने तुम्हें अपना गुड्स दिया है, स्टॉक दिया है और तुमसे 2 लाख रुपया लिया है, तो ये दिख कैसा रहा है? रियल में हुआ था लोन टेकन एंड मॉर्गेज, बट हम इसको रिकॉर्ड कैसे किए कि सेल हुआ है, कैश सेल किए हैं। अब जब हम लोन तुम लोगों को पे ऑफ करेंगे तो तुम लोगों को लोन देंगे, मतलब लोन पे ऑफ करेंगे मतलब पैसा देंगे और अपना मॉर्गेज वापस ले लेंगे, मतलब स्टॉक वापस ले लेंगे। तो इसको हम किस तरह दिखाएंगे कि हम परचेज किए हैं, हम पैसा दिए हैं और स्टॉक लिए हैं। तो रियल में सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब फॉर्म मतलब रियलिटी और सब्सटेंस मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो फॉर्म क्या था, लोन टेकन एंड लोन रिपेमेंट, बट सब्सटेंस क्या है, हम लोग दिखा क्या रहे हैं, परचेज एंड सेल। तो इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग नहीं है। तो इसका क्या लिखा है, सब्सटेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद दिस देयर सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सब्सटेंस कहते हैं, जो दिखा रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब्सटेंस है। एंड फिनेंशियल रियलिटी एंड नॉट मेयरली विद देयर लीगल फॉर्म, जो उसका लीगल फॉर्म है वो नहीं दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका ये है, मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी होता है इंपॉर्टेंट चीज दिखाओ। जैसे कि अकाउंट्स में बोला जाता है कि सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, मतलब एक बिजनेस क्या क्या करता है, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। कुछ भी चीज छुपाना, हाइड करना इज नॉट राइट, वो गलत है। जो भी चीज बिजनेस में हो रहा है वो सब कुछ डिस्क्लोज करो। पर मटेरियलिटी कहता है कि हर कुछ दिखाना जरूरी नहीं है, मतलब अगर कोई इमटेरियल चीज है, मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट, इमटेरियल मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, तो अगर कोई नॉट इम्पोर्टेंट चीज है या लेस इम्पोर्टेंट चीज है, कोई छोटा मोटा खर्चा है तो उसको नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। मतलब ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है, देखो ये हम लोगों का बिजनेस का साइज और नेचर डिपेंड करता है। आज अगर एक छोटा सा हम लोग के एरिया में एक शॉप है, एक एकदम स्मॉल शॉप है, वो अगर 100 रुपया का एक स्टेशन, मतलब 100 रुपया का अपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी भी खरीद के लाएगा, पेन पेंसिल कॉपी हिसाब करने के लिए वो स्टेशनरी खरीदेगा, तो वो इसको भी खर्चा में दिखाएगा टू स्टेशनरी बोलकर, क्योंकि उस बिजनेस के लिए 100 रुपया ही बहुत बड़ा अमाउंट है। पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा इंडस्ट्रीज अगर कोई 100 रुपया का स्टेशनरी खरीदा है अपने एम्प्लॉयज के लिए और उसको वो नहीं दिखाया, या टू मिसेलेनियस बोल के बहुत सारा खर्चा को एक साथ मिक्स करके दिखा दिया, 100 100 रुपया का स्टेशनरी, 100 रुपया का कुछ रिफ्रेशमेंट, ऐसा अलग अलग से नहीं दिखाता है, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि जिसका फिगर्स मिलियन बिलियंस में है वो लोग 100 रुपया नहीं भी दिखाएगा अलग से, तो कोई बिग इश्यू नहीं है। तो उस छोटे से स्मॉल शॉप के लिए वो 100 रुपीज एक मटेरियल फैक्ट है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। पर रिलायंस के लिए वो 100 रुपया कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, इमटेरियल है, उसको अगर वो नहीं भी दिखाता है तो चलेगा। तो साइज डिपेंड करता है वो चीज मटेरियल है या नहीं, तो जिसके लिए वो मटेरियल है वो दिखाए, जिसके लिए मटेरियल नहीं है वो ना दिखाए, ऐसा कहता है मटेरियलिटी। All material facts which are necessary to be satisfied should be recorded. ऐसा जो भी material fact है, वो हमेशा हम लोगों को लिखना चाहिए। Facts which are not material in nature need to be disclosed separately. अगर कोई चीज material नहीं है, तो उसको accounts के अंदर दिखाने का जरूरत नहीं है। हम लोग अलग से बोल सकते हैं कि इतना miscellaneous हुआ था, इतना खर्चा हुआ था, उसको अकाउंट्स के अंदर अगर रिकॉर्ड नहीं भी किए पीएल में जाकर टू स्टेशनरी बोल के, तो इट इज ओके। बट हाँ, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में भी कि मिसेलेनियस बोल के इतना खर्चा हुआ था, या इस तरीके का कोई अमाउंट है जो हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा कुछ भी। व्हेन सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड,
जैसे कि कभी कभी, अभी मैंने ऊपर कहा कि कभी कभी कुछ भी डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा, बट अगर हम लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं देन ऑल्सो ओके। अब क्या क्या डिस्क्लोज करना, मतलब नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो चलेगा, व्हेन सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, कब कब सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, याद रखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, कंसिस्टेंसी में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसी सोच के साथ स्टार्ट करता है कि वो इस बिजनेस को लाइफ टाइम इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलाएगा। कभी भी कोई बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस शुरू नहीं करता है कि 5 साल बिजनेस करेंगे फिर बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा कोई बिजनेसमैन सोचता नहीं है। कोई भी इंसान बिजनेस शुरू करने के पहले यही सोचता है कि हम लाइफ टाइम इसको करेंगे। तो इस बात को उसको अलग से बोलने का जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स में कि हम सोचे नहीं है कि लाइफ टाइम हम बिजनेस करेंगे, ये इनडेफिनेट पीरियड तक बिजनेस चलेगा, ये सब डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि बिजनेस ईयर आफ्टर ईयर चलता ही रहेगा, तो इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये अजम्पशन है। सो इट शुड बी अज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज इज अ कंटिन्यूइंग कंसर्न, कि वो एक कंटिन्यूइंग कंसर्न है, चलता ही जाएगा, एंड नॉट टू बी लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर, और कमिंग फ्यूचर में वो बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसको लगातार ईयर आफ्टर ईयर वही करते जाएंगे। ऐसा क्या है, जैसे कि डेप्रिसिएशन का हम लोग कोई मेथड फॉलो करते हैं। सोचो मेरा कंपनी या मेरा बिजनेस SLM फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमको ईयर आफ्टर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है हम कभी SLM करेंगे कभी WDV करेंगे, हम इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी कहता है बी कंसिस्टेंट, जो भी चीज तुम फॉलो कर रहे हो उसको ईयर आफ्टर ईयर वही फॉलो करो। तो इसमें डेप्रिसिएशन का मेथड आ जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, कि फीफो कर रहे हैं कि लीफो कर रहे हैं, कि सिंपल एवरेज कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज कर रहे हैं, ये भी हम लोगों को मेंटेन करना होगा। अगर हम लोग फीफो करते हैं तो ईयर आफ्टर ईयर फीफो ही करना होगा, अचानक से लीफो नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज का रूल्स जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, पर क्या कभी चेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, कभी चेंज कर सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन अगर हम लोग SLM कर रहे हैं, 6 साल 7 साल तक SLM किए, बट फिर हम लोग को लगता है कि SLM नहीं करना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा हम लोग WDV करें, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो कहता है चेंज नहीं कर सकते। तो अगर चेंज करना है तो कैसे करें, वेन देयर इज स्टैटूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैटूटरी मतलब लॉ, लॉ अगर कहता है, लॉ का जरूरत है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि चेंज करना होगा, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। एज रिक्वायर्स, अगर एएस रिक्वायर्स मतलब अगर एएस चाहता है, एएस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हम लोग को करना चाहिए तो कर सकते हैं। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम लोग को बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी कहता है एक रूल अगर चल रहा है तो वही रूल को चलाना होगा, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, पर ये इतना भी रिजिड नहीं है, ये कहता है पर अगर तुमको जरूरत पड़ता है तो यू कैन चेंज, बट हाँ ये तुमको फिर ये हम लोगों को जिस साल हम लोग चेंज कर रहे हैं उस साल डिस्क्लोजर देना होगा कि हम लोग इस साल चेंज किए। जैसे ईयर आफ्टर ईयर SLM फॉलो करते जा रहे हैं तो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डाले हैं उस हेड के अंदर जिसमें डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। पर क्या जरूरत नहीं है, अगर ईयर आफ्टर ईयर SLM ही फॉलो कर रहे हैं तो हर साल बताने की जरूरत नहीं है कि इस साल भी SLM कर रहे हैं, इस साल भी SLM कर रहे हैं, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। बट हाँ जिस साल हम लोग चेंज किए हैं मेथड उस साल इसको नीचे नोट्स में देना पड़ेगा कि हम लोगों ने इस साल SLM से WDV किया है। फिर आता है अक्रूअल मेथड। अक्रूअल मेथड मतलब कोई बिजनेस कैश बेसिस फॉलो करता है, कोई बिजनेस अक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। अक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जिसमें आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट हो, प्रीपेड का कॉन्सेप्ट हो, जिसमें है कि देना बाकी है तो भी रिकॉर्ड कर देंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए अभी दे दिए हैं तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, मिलना बाकी है तो भी रिकॉर्ड कर देंगे, उसको कहते हैं अक्रूअल मेथड।
तो ऑब्वियसली हम लोग अक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, जिन्हें ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समझ नहीं आता, उन्हें सिर्फ समझ आता है कितना पैसा दिए कितना पैसा लिए। तो जो लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं वो कैश बेसिस करते हैं, पर जो लोग अक्रूअल मेथड करते हैं वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब दिखाते हैं। बट ये नीचे बोलने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अक्रूअल मेथड फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, अकाउंट्स को देख के ही समझ में आ जाएगा कि अक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। फिर है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम लोगों का बिजनेस मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होता है तो हमेशा हम लोगों को डिस्क्लोज करना होगा। जो अभी हम कंसिस्टेंसी में भी बोले कि ये सब अगर हम अक्रूवल से कैश बेसिस में जाना चाहते हैं तो फिर हमको नीचे बताना होगा कि हम पहले अक्रूवल मेथड करते थे, अब हम कैश बेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो चेंज इज टू बी डिस्क्लोज्ड, चेंज को बताना पड़ेगा। इसलिए हम लिखे एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड। एवरी ईयर बताने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चेंज हुआ है तो बताना पड़ेगा। फिर बोल रहा है द चेंज इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द ईयर इन विच इट हैज इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस साल चेंज हुआ है उसी साल बताओ। जैसे क्या बताना पड़ेगा, अगर डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का मेथड चेंज हुआ है, तो ये सब बताना पड़ेगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ एनी चेंज इज नॉट एसर्टेबल देन इट शुड बी इंडिकेटेड एंड डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स। अगर एग्जैक्टली अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ मेथड चेंज हुआ है, कुछ रूल चेंज हुआ है, तो वो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में बता देंगे। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आएगा तो बताना पड़ेगा। फिर दे रहा है विच एंटरप्राइज दिस एएस डू नॉट अप्लाई। ये ध्यान से याद रखना कौन कौन से एंटरप्राइज के ऊपर मतलब बिजनेस के ऊपर AS1 अप्लाई नहीं होता, कौन कौन सा बिजनेस ये AS1 को फॉलो नहीं करता। विच इज नॉट कमर्शियल इन नेचर डेट इज NTO। NTO के ऊपर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये AS1 एप्लीकेबल नहीं होता है, ये लोग AS1 को फॉलो नहीं करते हैं। ये याद रखना, पूछ सकता है एक NTO था, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, उसने अपना ही ऐसे ऐसे कर लिया, क्या उसने गलत किया? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि AS1 NTO के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए अगर उसने AS1 को फॉलो नहीं किया है तो उसने कोई भी गलती नहीं किया है। इस तरीके से केस स्टडी दे सकता है। तो NTO का मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा। फिर बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब डिस्प्यूट, झगड़ा। झगड़ा इन द सेंस जहां पर AS और स्टैट्यूट कभी कभी मैच नहीं करता है, मतलब AS कुछ और कहता है, स्टैट्यूट हमारा लॉ कुछ और कहता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और लॉ का स्टैट्यूट में। एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, किसमें अप्लाई नहीं होता है, NTO में। किसमें अप्लाई होता है, कंपनीज में, जो हम शुरू में ही बोले थे एकदम स्टार्टिंग में कि ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अथॉरिटी NACAS मतलब नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन AS, मतलब ये लोग कहते हैं सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। अदर देन कंपनीज, जो कंपनी नहीं है फिर भी एप्लीकेबल होता है, द बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। हुज टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़, जिसका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। टर्नओवर मतलब सेल्स, जिसका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा उसको AS1 फॉलो करना पड़ेगा। द कंपनी हैव बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट एक्सीड्स 10 करोड़। जिस कंपनी का भी बोरोइंग्स मतलब लोन 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा उसको AS1 मानना पड़ेगा। सोचो मेरा सेल्स 50 करोड़ के ऊपर नहीं हुआ है पर हम लोन ले चुके हैं 10 करोड़ के ऊपर, तो मेरे ऊपर AS1 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल AS फ्रॉम 1 to 29 आर एप्लीकेबल। इन सब के ऊपर 1 से 29 तक जितना भी AS है सब एप्लीकेबल है। इन इन जो ऊपर हेडिंग दी एप्लीकेबिलिटी में उनके ऊपर सारा ही AS एप्लीकेबल है। अब CA में, ये CA का May 17 है, CA के एग्जाम में May 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। ये कंपनी था, ये एक फाइनेंशियल सर्विस में
घुसा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में ये है, और इसका भी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत टाइट है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब इसके हाथ में कैश कितना है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है हाथ में कितना कैश है, तो कैश या बैंक, तो कैश इसके हाथ में टाइट है, मतलब बहुत कम है, अभी ज्यादा पैसा इसके हाथ में नहीं है। सीन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम्स और पेटिशंस इन अ स्पेशल कोर्ट। इस कंपनी का बहुत सारा वेरियस मतलब बहुत सारा क्लेम और क्लेम ये सब पेटिशन ये सब कोर्ट में चल रहा है, मतलब इसका आधा से ज्यादा एसेट कोर्ट केस में फंसा हुआ है। एबीसी लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड आईसीडी एंड इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यूज। आईसीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तुम लोग थोड़ा लिख लो। आईसीडी क्या होता है, आईसीडी उस तरीके का कंपनी को कहते हैं जो हम लोगों का पैसा को निकलवा देता है, सेटल करवा देता है, मतलब ठीक कर देता है हम लोग के बिजनेस के पोजीशन को, आके हेल्प करता है, उसको आईसीडी कहते हैं। तो एबीसी क्या किया, ये कंपनी क्या किया, आईसीडी के पास गया, आईसीडी एक्सेप्ट किया, और आईसीडी एक्सेप्ट उसमें क्या होता है, वो लोग बेस्ट एफर्ट मारता है कि किसी तरह हम लोगों का ड्यू को क्लियर कर दे। तो ये इस उसके पास गया, देयर वेयर क्लेम्स एट वेरिड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा डिफरेंट, वेरिड मतलब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसका डिफरेंट क्लेम चल रहा था। कोई एसेट के ऊपर 12% का क्लेम चल रहा था, किसी पे 11% का, मतलब इसको देना है उतना पैसा। फ्रॉम लेंडर्स फ्रॉम द ड्यू डेट्स ऑफ आईसीडी टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, मतलब जिस दिन ये आईसीडी के पास गया उस दिन से पेमेंट के डेट पे बहुत सारा, रीपेमेंट के डेट के बीच में बहुत सारे लेंडर्स को इसको लोन पे ऑफ करना था, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये बहुत सारा लोन ले चुका था और अपना एसेट गिरवी रख चुका था, तो लोन के ऊपर इसको इंटरेस्ट भी देना था, तो इसका एसेट तो जो लोन दिया उनके पास फंसा हुआ था। और अब ये कैसे छुड़ा, इसके पास पैसा नहीं है कि ये अब लोन पे ऑफ करके अपना एसेट को छुड़वा पाएगा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट वॉज मेंशन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीडी को यहाँ पे कंपनी बोल रहा है, कंपनी क्या किया, इंटरेस्ट दिया किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट से लेके रीपेमेंट के बीच में, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस दिन, उस दिन से जब तक हम लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तब तक का सारा इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। तो कंपनी इंटरेस्ट पर दे दिया, कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर दिया एज पर द टर्म्स, जितना इंटरेस्ट देना था उतना इंटरेस्ट ये दे दिया। ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब छोड़ो, द कंपनी कंसिडर्स दैट दीज क्लेम्स आर इन द नेचर ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट। ये देखना, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे रहता है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट, मतलब एक क्लेम है कंपनी का जिसको वो डेट नहीं कह रहा, डेट मतलब लोन, वो उसको क्लेम कह रहा है लोन नहीं कह रहा है, ऐसा नाम से वो सारी क्लेम्स को लिख के रखा है कि मेरा लोन नहीं है मेरा क्लेम्स है। क्लेम्स भी चुकाना ही होता है बट उसको उस नाम से लिख के रखा है, क्लेम नाम से। एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ अ नोट इन द अकाउंट्स, और ये नोट्स टू अकाउंट में प्रॉपरली लिख के रखा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन इन द पेएल अकाउंट। वो देखो, हम लोग जब भी कोई लोन लेते हैं और लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बना लेते हैं कि इतना देना पड़ सकता